हाँ जी आ जाओ। तो गाइस यार आपने नोटिस किया कि हम लोग अपनी लाइफ में ना हमेशा बड़ी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा यूट्यूब चैनल है ना। हम लोग हमेशा अपनी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, बड़ी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, बट यार हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ये सब बड़ी चीज़ों के बीच में ना काफ़ी अच्छी छोटी चीज़ें भी है, और शायद वो छोटी छोटी चीज़ों का भी ना हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो मतलब पॉइंट ये है कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि यार बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया सी चीज़ें, तो वही सब हम लोगों ने आज की वीडियो में मंगाया है। तो आज के जो गैजेट्स हैं ना कुछ बड़े नहीं है, सब छोटे छोटे हैं, और ऐसे ही काफ़ी छोटे से, क्यूट से, प्यारे से गैजेट्स हैं। तो चलो यार आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ठीक है, जो हम लोगों का सबसे पहला चीज़ है वही गाइस एक मिनी कैमरा है। तो ये काफ़ी छोटा सा, काफ़ी प्यारा सा कैमरा है। एक्चुअली में मेरे को टेस्ट करना था, काफ़ी टाइम से मेरे को दिख रहा था ऑनलाइन नेट पर, तो ये अभी हम लोगों ने मंगाया है। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ये साइज़ में कितना ज़्यादा छोटा लग रहा है, और ये मैं ऐसे हाथ में पकड़ा हूँ तो ये मेरे हाथ में भी कितना छोटा लग रहा है। एंड जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम लोगों का एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, फिर इधर चार्जिंग, एंड फिर इधर ऑन करने का है, एंड म्यूट, बस दैट्स इट, ये सारे स्लॉट्स हैं। इसके बाद चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ना दो अलग अलग होल्डर्स मिलते हैं, एक ऐसे अटैच करने का है, तो ये बेसिकली एक क्लिप टाइप का है, एंड दूसरा एक कहीं आप पर्टिकुलरली प्लेस कर सकते हो। तो चलो यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कैमरा में हम लोग मेमोरी कार्ड लगा देते हैं सबसे पहले, तो कि ये ऑन हो चुका है, और जैसे कि आप लोगों को देख रहा होगा यहाँ पे एक ब्लू कलर का इंडिकेशन भी है, तो फिर ये ऑन हो चुका है। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली में आपका उसका पावर बटन फिर से दबाना रहता है, फिर तीन बार लाइट फ्लैश होगी, एंड उसके बाद ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। और इसमें बोला है कि HD रिकॉर्डिंग करता है, तो वो चीज़ भी मेरे को टेस्ट करनी है कि एक्चुअली में HD है, तो ये रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, पता नहीं क्या चल रहा है, बाद में देखेंगे। फुल HD रिकॉर्डिंग, 12 मेगापिक्सल। तो मैंने मेमोरी कार्ड निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, तो लेट्स सी कि एक्चुअल में क्वालिटी कैसी आ रही है। ओहो ज़्यादा ही पास से आया, अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा पास था कैमरा इतना मुझे लगा नहीं था रहेगा। और यार इसका ये है कि ये रिकॉर्ड तो सही से कर रहा है, क्वालिटी भी ठीक है, मतलब मैं ऐसे फुल HD तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 480 रहेगा कुछ। एंड इसके थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम हुई है मेरे ख्याल से, शायद मैंने माइक्रोफोन पे हाथ रख दे रहेगा, फिर थोड़ा इशू है, मतलब कि प्रॉपर सही से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट वीडियो ढंग से आ रही है तो ये अगर सिर्फ वीडियो के लिए कैमरा चाहिए तो फिर ये अच्छा है। और इसमें नाइट विजन यार ये सब भी है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चारों साइड में इसके लिए नाइट विजन के लिए लाइट्स हैं, तो नाइट विजन भी है। एंड उसके बाद ये जो इसके होल्डर्स हैं, तो इसमें देखते हैं कैसे लगेगा। तो एक्चुअली में जो इसके साथ होल्डर दिए हैं वो भी काफ़ी सही लगे मेरे को, ये एक्चुअली में किसी भी एंगल पे एडजस्ट हो जाते हैं, एंड पर्टिकुलर एरिया में आप कहीं पे लगा के रख सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिक्योरिटी कैमरा जैसा भी वर्क करेगा। बस डिफरेंस ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है नॉर्मल कोई भी सिक्योरिटी कैमरा से, तो आप इसका साइज़ देख ही सकते हो यार कितना छोटा। तो ठीक है, अपने हिसाब से सही लगा मेरे को, चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो ठीक है, अपने पास जो अगली चीज़ है यार वो एक रूबिक्स क्यूब है, और ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसे मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ सबसे पहले, तो कि ये मिनी 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 वर्जन है। तो ये एक 3x3 का रूबिक्स क्यूब है, एंड जैसा कि देख सकते हो आप इसके साथ एक किचन भी अटैच्ड है, बट ये प्रॉपर एकदम रूबिक्स क्यूब की तरह वर्क कर सकता है। मतलब एक बार को मैं इसका ये किचन निकाल देता हूँ, एंड उसके बाद आप इसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा साइज़ में छोटा है, तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा रूबिक्स क्यूब नॉर्मल मंगाया है। तो बॉस ये जो रूबिक्स क्यूब है ये एक्चुअली में एकदम नॉर्मल साइज़ का है, और उसके अकॉर्डिंग ये इतना छोटा सा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यार साइज़ में। और मेरे को सबसे सही चीज़ लगी कि ये सही से वर्क करता है, और कैसा है कि कोई भी अगर आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है ना, तो फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स रहते हैं, तो ऐसे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है अगर वो एल्गोरिदम्स आप लोगों को आते हैं तो फिर आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसे मिक्स कर दिया, इसे भी मिक्स कर देता हूँ, तो आप कुछ भी रैंडमली मिक्स कर सकते हो यार इसमें ना छोटी छोटी इतना छोटा है कि एक फिंगर में एक लेयर नहीं आ रही है तो बहुत छोटा छोटा है। इसे मिक्स करते हैं, तो हम लोगों ने मिक्स कर दिया है, ठीक है, इसे फटाफट सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना। तो ठीक है, ये मैंने मिक्स कर दिया है, और मिक्स कर दिया है, इसे भी मिक्स कर देते हैं ये इस पर आप बस थोड़ा फास्ट मूव नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा ही छोटा छोटा है। तो ठीक है, ये दोनों मैंने मिक्स कर दिए, इन दोनों को फटाफट सॉल्व करते हैं। ओके ये वाला बड़ा वाला हो गया है, अभी छोटा वाले को फटाफट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही छोटा है। हाँ इतना छोटा है, मेरे हाथों में थोड़ा थोड़ा पेन होने लगा तो चलो ये वाला भी हो गया है क्यूब सॉल्व, हम लोगों के यहाँ पे दोनों क्यूब सॉल्व हो चुके हैं।
ऐसे ही टाइम पास के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, और साइज में छोटा है तो फिर आप इसे किचन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया इसका मिनी वर्जन, बट यार इससे भी एक छोटा क्यूब आता है, वो मेरी एक फिंगर टिप के बराबर है, वो एक्चुअली में इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, वो मेरे को बाहर से मंगाना होगा। तो यार अगर इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनता है स्मॉल प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो यार वो वाला क्यूब लाने का ट्राई करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो, तो चलो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। तो ठीक है जी, जो अपने पास अगली चीज़ है, ये स्मॉलेस्ट चीज़ तो नहीं है, बट ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट चीज़ है, मतलब ये काफ़ी स्लिम माउस है। तो ये मैंने देखा था ऑनलाइन, ये काफ़ी स्लिम बताया गया है माउस। तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन कैसे होता है ये कौन बताएगा? हाँ हो गया ओपन। ओह तो यार जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम माउस है, एंड कंपैरिजन के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे माउस हैं। अबे फंसो मत, अपना अपना रहो, एक दूसरे से लड़ाई क्यों करते हो? हैं हाँ, तो ये रहे सारे माउस। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो, आपको ऐसे टॉप व्यू में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट ऐसे साइड से देखोगे ना तो साइड से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ओहो मतलब ऐसे हवा करने में भी सही लग रहा है यार। और अगर आप इसमें देखोगे ना, तो जिसमें स्क्रॉल करने के लिए जो रोलर है वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि वो जो नॉर्मल रोलर रहता है ना वो इसमें फिट नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन लोगों ने स्पेसिफिकली छोटा सा बनाया है। और इसमें एक DPI का बटन भी है यार, तो यार आप DPI की स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, जो इसमें बैटरीज डलती है ना, वो भी एक सिंगल बड़ी बैटरी नहीं डलती, दो छोटी AAA बैटरीज डलती हैं, क्योंकि वो बैटरी भी इसके अंदर नहीं आ पाएगी, वो भी साइज़ उसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बैटरीज डलती हैं, तो ये हम डाल लेते हैं। AC का रिमोट कब काम आएगा? एक रिमोट से दूसरे रिमोट में और माउस में। तो यहाँ से निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे डाल लिया है दो। ठीक है, ये माउस भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये माउस मैंने कनेक्ट कर लिया यार। थोड़ा सा ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, मतलब कैसे कि पूरा हाथ आपका कवर हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्लिम है। तो ये ऐसा है कि मतलब आप स्ट्रेट हाथ मूव कर रहे हो। तो कुछ हम लोग ऐसे करके काफ़ी आराम से मूव कर सकते हैं, वर्क तो सही से कर रहा है, वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे हाथ में तो एक्चुअली में दिख ही नहीं रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जब मैं मूव कर रहा हूँ तो फिर ये पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे माउस है। तो ऐसे करके वर्क सही से कर रहा है। तो ठीक है यार, ये अपने आप में एक इनोवेशन है, इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया एक स्लिम माउस बनाने की कोशिश की, और ये लोग कई हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। और राइट, इसके बाद जो हम लोगों के पास अगली चीज़ है, वो इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट पेन ड्राइव है। तो यार ये एक सैंडिस्क की अल्ट्रा फिट पेन ड्राइव है, तो ये इसका साइज़ हम लोग देख लेते हैं। चलो तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। बाप रे, निकल जा यार। ओहो यार ये छोटी तो है चलो, बट ये लाइट वेट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये एक काइंड ऑफ रिसीवर ही लग रही है। तो ये जो हम लोग का माउस का रिसीवर था ना, ये भी एक्चुअल में इससे हल्का सा बड़ा है। तो ये पेन ड्राइव बहुत ज़्यादा छोटी सी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड कंपैरिजन के लिए मेरे पास एक HP की पेन ड्राइव है, वो एक टाइम पे ये सबसे छोटी लगती थी मेरे को। तो अब उससे भी काफ़ी ज़्यादा छोटी आ चुकी है, ये ऑलमोस्ट उसकी हाफ है। तो ये हम लोग यहाँ पे लगा के देखते हैं। चलो तो यार ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो आप लोग देखोगे ना तो रिसीवर जितना ही लग रहा है ये, एंड अगर इससे भी छोटा कुछ रहता ना तो वो पूरा ही अंदर घुस जाता स्लॉट के। तो बाहर भी कुछ नहीं बचता, तो इन लोगों ने हल्का सा छोड़ा है बाहर ताकि आप निकाल तो सको इसे एटलीस्ट। तो यार ये भी काफ़ी सही पेन ड्राइव है, अगर आपको बहुत छोटे साइज में पेन ड्राइव चाहिए तो मेरे ख्याल से ये आप परचेस कर सकते हो। और सैंडिस्क की है तो फिर क्वालिटी वाइज भी अच्छी रहेगी, और डिफरेंट वेरियंट्स में अवेलेबल है। ये जो पर्टिकुलर पेन ड्राइव है ये 32 GB वाली है, बट इसमें डिफरेंट वर्जन अवेलेबल है, 16 GB, 64 GB, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ठीक है, काफ़ी मिनी, काफ़ी प्यारी सी छोटी सी पेन ड्राइव है। तो ऑल राइट, जो नेक्स्ट चीज़ है यार, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये मेरे को पहले पता नहीं थी, तो पहले मैंने वीडियो में नहीं डाली थी, बट इसके मेरे को अचानक से एड्स आने स्टार्ट हो गए। तो इसके काफ़ी ज़्यादा ऐड आने लगे। तो ये एक कैप्सूल अम्ब्रेला है, तो ये बहुत छोटा है जैसे कि आप देख सकते हो। और जस्ट एक कंपैरिजन के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये जो नॉर्मल अम्ब्रेला रहता है कोई भी हम लोगों का, यार ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ रहा है? इनफैक्ट ये मेरी वाटर बोतल से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है हाइट में, इसकी हाइट ये है और यहाँ पे। तो चलो इसे ओपन करके देखते हैं ये वाला कैसा अम्ब्रेला है। तो ये निकाल लिया मैंने, ये कैप्सूल अम्ब्रेला। ओहो ओहो, कवर भी आया है, वाह। ये मेरे हाथ से छोटा है यार। तो ये ठीक है, चलो। तो ये हो गया है हम लोग अम्ब्रेला, एंड बाप रे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ भाई, ये तो पूरा एकदम परफेक्ट छाता है यार, जितना ये साइज़ का छाता रहेगा इतना ही ये है। तो ये साइज़ में तो उतना ही बड़ा हो जाता है, एंड क्वालिटी वाइज भी ठीक लग रहा है। मतलब इसका मेन ये छोटे होने का रीज़न ये है कि काफ़ी ज़्यादा फोल्ड हो जाता है एक्चुअली में। इसका आप लोग स्टिक भी देखोगे ना तो ये 4-5 बार में खुलता है यार पूरा। इसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टीशंस हैं, और फिर चलो इसको बंद करके देखते हैं फिर से।
ठीक है तो ये बंद भी हो गया है हम लोगों का। तो ये था गाइस हम लोगों का एक मिनी कैप्सूल अम्ब्रेला। ये यार मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिया, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं। तो ये हो चुका है हम लोगों का वापस पैक। तो ठीक है यार, आप लोग बताओ इसमें से आप लोगों को कौन सा सबसे छोटा प्रोडक्ट अच्छा लगा, और अच्छे के साथ साथ यूजफुल कौन सा है आप लोगों के लिए, वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना। एंड आप लोगों को कोई भी वीडियो का ऐसे सजेशन रहता है तो कमेंट्स में डाल दिया करो यार, मैं देखता रहता हूँ सारे कमेंट्स। कोई भी वीडियो में पॉसिबल होगा तो वो भी चीज़ें मैं ऐड करता रहूँगा, तो फिर आप लोग कमेंट्स करते रहा करो कोई भी चीज़ आप लोगों को देखने का मन करे तो। तो यही था यार हम लोगों का एक स्मॉल प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो, जिसमें हम लोगों ने सारे छोटे प्रोडक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। बड़े बड़े प्रोडक्ट्स तो कहीं ना कहीं कवर होते ही रहते हैं, तो यार छोटी चीज़ों का दिन था तो हम लोगों ने छोटी चीज़ें कवर किया। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया ना, तो सब चीज़ों का लिंक और प्राइस अच्छे से डिस्क्रिप्शन में रहता है, ये हर बार रहता है, ठीक है, तो जाके चेक कर सकते हो। और यार हम लोग एक टेलीग्राम चैनल है, तो फिर ऐसा डेली जो भी अच्छी डील्स आती है ना अमेजोन की, मान लो अगर आपको कुछ लेना है तो फिर वो ज्वाइन करके रख लो, कभी वो चीज़ डिस्काउंट में आई तो वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगी, तो उस दिन जाके ले लेना, तो थोड़े बहुत आपके पैसे बच जाएंगे। तो हम लोग टेलीग्राम चैनल है काउंटिंग यूनिक के नाम से, वहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फाइनेंस मोटिवेशन और इंफोटेनमेंट टाइप का रहेगा, तो वो अगर आप लोगों को चेकआउट करना तो वो आप इधर चेकआउट कर सकते हो, आ रहे क्या इधर, तो फिर इधर चेकआउट कर लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। Care.